इस वेले की वड्डी खबर सामने आ रही है कि मंत्री आशू के जिहड़े नज़दीकी सन्नी भल्ला जिहड़ा उन्होंने पेश किया गया सी पिछले दिन जिहड़ा विजिलेंस वालों गिरफ़्तार किया गया सी। तुहानूं दस दईए कि जिहड़े साबका मंत्री भारत भूषण आशू ने उन्होंने विजिलेंस वालों गिरफ़्तार किया गया सी अते उन्हां दे उपर आरोप लगाए गए सी कि टेंडर घोटाले दे विच जिहड़ा है उन्होंने नामजद किया गया सी। उस तों बाद काफ़ी लंबा समा जांच भी हुई, रिमांड ते उन्होंने रखा गया ते उन्होंने जिहड़ा गिरफ़्तार भी किया गया सी विजिलेंस वालों। हुण इस टाइम जिहड़ा है उह जेल दे विच ने। जिहड़ी है इस दे नाल ही एक होर तुहानूं वड्डी खबर दस रहे हां कि जिहड़े मंत्री आशू के नज़दीकी सन्नी भल्ला जो दसे जाते हैं जो कि मंत्री आशू के काफ़ी नज़दीकी सी अते उन्होंने भी विजिलेंस ने जिहड़ा इस मामले के गिरफ़्तार किया। दो दिन रिमांड पर भी रखा गया पर अज जिहड़ा उन्होंने पेश किया गया। दो दिन रिमांड पर रहने तो बाद उन्होंने जिहड़ी पेशी हुई सी कचहरी के उन्होंने पेश किया गया तो उस तो बाद बहुत वड्डा जिहड़ा फैसला है वह अदालत ने सुनाया। तुहानूं दस रहे हैं इस टाइम कि मंत्री आशू के नज़दीकी सन्नी भल्ला जो कौंसलर ने उन्होंने रिहा कर दिता गया अदालत वालों उन्होंने जो रिहा कर दिता गया। ये गल जी सामने आ रही है पर सब तो वड्डा सवाल जिहड़ा वो विजिलेंस के उपर खड़ा हुंदा है कि आखिर विजिलेंस ने किन्ना सबूतों के आधार पर जिहड़ा उन्होंने गिरफ़्तार किया। जिस टाइम गिरफ़्तार किया तो उस टाइम विजिलेंस ने गल कही सी कि उन्होंने कोल पुख्ता सबूत ने, उन्होंने कोल जिहड़ा है कुछ इदां दे सबूत ने जिहदे नाल कि सन्नी भल्ला वो सीधा सीधा तौर पर जिहड़ा है वह दोषी करार हुंदे ने। पर दो दिन रिमांड पर रहने तो बाद आखिर इदा का की जिहड़ा सबूत है, इदा का की जिहड़ा उन्होंने उपर प्रैशर पिया कि जिस करके उन्होंने जिहड़ा है सन्नी भल्ला नूं छड्डणा पिया। अदालत दे विच अज जिहड़ा है पेशी हुई सी, दो दिन का रिमांड सी, रिमांड तो बाद अज दुबारा फिर जिहड़ा पेशी हुई अते उस दे विच कोई पुख्ता सबूत ना मिलण कारण अदालत वल्लों जिहड़ा उन्हां नूं रिहा कर दिता गया है। इस टाइम की वड्डी खबर सामने आ रही है कि मंत्री आशू के नज़दीकी जिहड़े ने उन्हां नूं रिहा कर दिता गया, उन्हां नूं बहुत वड्डी राहत जिहड़ी है अदालत वल्लों मिली है। काफ़ी लंबे समय तो जिहड़ा विजिलेंस की मंग सी कि इन्हां खिलाफ़ जिहड़ा है सबूत मिले ने। इस तों पहलां विजिलेंस ने काफ़ी वार उन्हां नूं जांच वास्ते भी बुलाया सी अते इह गल उन्हां ने जिहड़ा अदालत दे विच रखी सी कि उन्हां कोले इहो जिहे पुख्ता सबूत ने जिहड़े सबूत सीधा सीधा जिहड़ा वह सन्नी भल्ला नूं दोषी करार दिंदे ने। पर अज दो दिन दे रिमांड तो बाद दुबारा फिर पेश होण तो बाद जिहड़ा है की इहो जिहा विजिलेंस दे उपर प्रैशर क्रिएट होया, क्यों सन्नी भल्ला की जिहड़ी इमेज है उसनों खराब किया गया, यह बहुत वड्डे सवाल ने सीधा सीधा विजिलेंस के उपर उठते हैं। ये मैं अज कोर्ट च मेरा कोर्ट च आउण दा की मकसद है? मैं कहड़ा कोई फैसले ते दबाव पा लैणा सी जां मैं कोई कुछ कर लेना सी, मैं कहड़ा वकील सी, मैं सिर्फ यह हुंदा भी असीं अपने वर्कर नाल अपने वर्कर दे नाल मोढ़े ना मोढ़ा किसी भी हद तक वर्कर ना अपने ना खड़ सकते हैं, किसी तक हद तक जा सकते हैं, वर्कर की पिट नहीं लगन देनी। गल तो यह है, ये इस करके कल मैसेज दिता है भी भाई जिथे भी पंजाब कला लुधियाना नहीं, जिथे भी पंजाब कोई जाली केस ये विजिलेंस जां होर कोई सरकार पाएगी रवनीत बिट्टू उत्थे शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह वांगू अपनी लड़ाई लड़ेगा तो एक इंच भी कदे पिछे नहीं होगा। मैं ये थोनों विश्वास दवाउण लई अपने वर्करां नूं आया तो इस तरीके ना खड़ूंगा, किसी ते जरूरत नहीं इन्हां दी भी किसी ते जाली मुकदमा पा लैण। देखो जिहड़ी हजे तक जज साहब दे मूहरे कानून दे मूहरे मी लॉर्ड ने सिर झुकदा है उन्होंने अज उन्हां नूं इस वेले जिहड़ा फैसला होया है कुछ चिरां च जिहड़ा रिटन ऑर्डर आ जाएगा थोड़े मूहरे तो सन्नी भल्ला जी अपने घर बिल्कुल फ्री होकर अज कानून के मुताबिक वो अपने घर जाएंगे। उन्होंने ना जुडिशरी रिमांड उन्होंने दी है ना पुलिस रिमांड दिता तो उन्होंने बिल्कुल उन्होंने अज जिहड़ा है किसी भी उन्होंने खिलाफ़ कोई सबूत नहीं, विजिलेंस ने भी यही कहा है भी उन्होंने खिलाफ़ कोई सबूत नहीं है जी। तो इस करके जे अगे भी असी हमेशा कानून के अगे कुछ नहीं, असी तो आप गए सी आशू जी तो आशू जी असी तो हमेशा क्या है भी अगे भी सानू लोड़ होगी असी आप आवांगे भाई, नौ बार सन्नी भल्ला पहला भी गया तो इस करके जिन्हों भी बुलाना सानू कानून अगे कुछ नहीं पर असी हाँ कोर्ट साबित करांगे अज कीता साबित। ठीक है सर, थैंक यू।